मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। इंदौर में डीएवीवी कॉलेज में कर्मचारियों ने की हड़ताल प्रदर्शन, डिप्टी रजिस्ट्रार को हटाने की मांग, कर्मचारी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का लगाया आरोप। खातेगांव में गुर्जर समाज ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, भाजपा नेता पर हुए हमले का किया विरोध, पुलिस कर रही है मामले की जांच। और इंदौर पुलिस जल्द करेगी एक एप्लीकेशन लॉन्च, महिलाओं की सुरक्षा के लिए होगी एप्लीकेशन, हर ऑटो रिक्शा में लगाए जाएंगे QR कोड। सोमवार को मध्य प्रदेश के इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कर्मचारियों ने यूनिवर्सिटी परिसर में जमकर नारेबाजी की। बता दें, कर्मचारियों ने डिप्टी रजिस्ट्रार रचना ठाकुर को हटाने की मांग की और प्रदर्शन किया। डिप्टी रजिस्ट्रार रचना ठाकुर को हटाने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय को 2 दिन का समय दिया था। समय पूरा होने पर कर्मचारियों ने यूनिवर्सिटी परिसर में हड़ताल की है। प्रमोद दुबे की अगर माने तो डिप्टी रजिस्ट्रार रजनी ठाकुर लंबे समय से कर्मचारी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होकर गैर शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्य करती रही है। इसके चलते डिप्टी रजिस्ट्रार रचना ठाकुर के खिलाफ लंबे समय से विरोध की जो है उनको हटाने की मांग की जा रही है और उनके खिलाफ विरोध किया जा रहा है। कर्मचारी अपने हितों के लिए अपने अधिकारों की बात करने जाते हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश शासन की तरफ से रोक लगाई गई है, तो कहीं ना कहीं जब कर्मचारी आहत होकर के और वरिष्ठ अधिकारियों से भी शिकायत करते हैं तो उसमें ये मालूम होता है कि किसी प्रकार की कोई शासन की तरफ से कोई रोक नहीं है और मैडम की तरफ से व्यक्तिगत तौर पर कर्मचारी के अहित किया जाता है। और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के आज हम आंदोलित हैं और यदि यह मांग हमारी पूरी नहीं हुई, उनको तत्काल हटाया नहीं गया स्थापना विभाग से, हम तो ये मांग करते हैं। मध्य प्रदेश शासन, आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करना चाहूँगा मैं मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से कि इनको तत्काल इंदौर से हटाया जाए। आज हमने आह्वान इस बात पर किया है कि एक सूत्री मांग है हमारी कि एक डिप्टी रजिस्ट्रार हैं रश्मि ठाकुर मैडम, जो विगत कई वर्षों से यानी कि इंदौर में ही बनी हुई हैं, जिनके हर बार यानी कि कर्मचारी विरोधी नीतियां अपना रही हैं, शासन के निर्देश के होने के बावजूद भी शासन का रोक के वो अपना काम कर रही हैं। विगत दिनों पहले मध्य प्रदेश भाजपा नेता राजकुमार पटेल पर जानलेवा हमला हुआ था। इसी हमले के विरोध में गुर्जर समाज ने खातेगांव एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। इस दौरान गुर्जर समाज के लोग भारी संख्या में खातेगांव पहुंचे। इस मामले में एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा का कहना है कि पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है, जितने भी आरोपी होंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। गुर्जर समाज का कहना है कि 24 घंटे में आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो गुर्जर समाज बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा। मध्य प्रदेश के कठीवाड़ा में सावन के दूसरे सोमवार पर धनार माता मंदिर में भगवान महादेव का अमरनाथ शिवलिंग के रूप में श्रृंगार किया गया। इसमें मंदिर समिति के सदस्य वासुदेव जी टांडी और दीपेश कुलकर्णी अन्य लोगों ने मिलकर महादेव शिवलिंग की सजावट की। इस अवसर पर शाम के समय हिमेश राठौर ने महादेव की महाआरती कर महाप्रसादी वितरित की। इस महाआरती के अवसर पर कठीवाड़ा की जनता ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर भगवान के दर्शन किए। साथ ही महिलाओं ने महाआरती के बाद भजन कीर्तन किया और गान भी गाया। मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस जल्द ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रही है। इसके तहत शहर में चल रहे ऑटो रिक्शा में QR कोड लगाया जाएगा। इससे ऑटो में सफर कर रही महिलाएं QR कोड को स्कैन कर अपने परिजनों को अपनी ऑटो रिक्शा से संबंधित सभी जानकारी भेज सकेंगी। अगर IG हरिनारायण चारी मिश्र की माने तो महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया जा रहा है। यह स्कैन कोड की मदद से महिलाएं ऑटो रिक्शा की लाइव लोकेशन समेत अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारी मैसेज के माध्यम से परिजनों को भेज सकेंगी। साथ ही एप्लीकेशन के माध्यम से ऑटो रिक्शा चालक के यातायात नियमों को तोड़ने की जानकारी भी पुलिस को मिल जाएगी। इससे निश्चित ही महिलाओं के अपराधों में कमी देखने को मिलेगी। इन मुद्दों को लेकर के, इन सारे चिंताओं को दूर करने के लिए एक पुलिस एप्लीकेशन शीघ्र ही लॉन्च कर रही है, जिसमें मुख्य तौर पर हर ऑटो को एक QR कोड दिया जाएगा।
और उस QR कोड को व्यक्ति ऑटो में बैठने से पहले उसको स्कैन कर लेगा समान तौर पे, और स्कैन करने के साथ ही उसको व्हाट्सएप के माध्यम से अपने परिजनों को भेज सकते हैं। उस QR कोड में उस ऑटो से संबंधित जानकारी, सारी जानकारियाँ, जैसे कि उस ऑटो का नाम, ऑटो वाले का नाम, ऑटो का नंबर, साथ ही साथ उसमें अन्य जानकारियाँ जैसे कि उसका कोई पुराना रिकॉर्ड, और साथ ही साथ उसकी लाइव लोकेशन भी हम देख सकते हैं, उसका जो गूगल पे हम जाकर लोकेशन भी देख सकते हैं उस ऑटो की कहाँ पर है। इन सारे जानकारियों के मिलने के बाद एक तो व्यक्ति और मुख्य तौर पर अगर अकेली महिलाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है, घर के परिजन कई बार उसके लिए चिंतित रहते हैं कि कब तक पहुंचना है या व्यक्ति कहां पर उनकी लोकेशन है, इन सारे मुद्दों को लेकर के ऑटो में बैठने के साथ ही व्यक्ति सारी जानकारियां एक क्लिक में अपने परिजनों के साथ शेयर कर सकता है, जिससे और ज़्यादा मुक्त यात्रा में और ज़्यादा सुरक्षा बढ़ेगी। मंगलवार को मध्य प्रदेश के खरगोन में मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेंचुरी मिल में चल रहे आंदोलन को हटाने पुलिस पहुंची। आपको बता दें मगरखेड़ी में पिछले 4 सालों से आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में आंदोलनकारी VRS को नकारते हुए रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। इस आंदोलन का मामला पहले से ही कोर्ट में चल रहा है, बावजूद इसके भी पुलिस ने जबरन सेंचुरी मिल के मजदूरों की गिरफ्तारी शुरू कर दी। मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस ने महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला पलासिया थाने का है, जहां युवती ने शिकायत करते हुए बताया था कि उसके परिचित का जितेंद्र लगातार छेड़छाड़ कर रहा है, साथ ही शादी करने और गर्लफ्रेंड बनने का दबाव भी बना रहा है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। चौराहे पर छेड़छाड़ के संबंध में एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसपे आपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें आरोपी जीतू उर्फ जितेंद्र वर्मा, उसको गिरफ्तार भी किया गया है। मूलतः ये आपस में पूर्व परिचित थे, लेकिन अब लड़की जो है इससे बात बात नहीं करना चाहती, फिर भी ये पीछा करता है और इसको समझाने पर ये समझता नहीं है। तो इस बात पर से जो प्रार्थिया ने शिकायत करी थी, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ।